तो भाई हर सीज़न की यही कहानी है कि भाई देखो सीज़न स्टार्ट होते हैं हम सोचते हैं कि चलो भाई इस सीज़न तो भाई पक्का कुन कर जाना, कोई आ जाओ भाई कोई नहीं रोक सकता मुझे। लेकिन भाई 2 हफ्ते तो मोटिवेट रहते हैं, लेकिन भाई जैसे ही तीसरा हफ्ता आता है तो भाई उस टाइम पे हमें लगता है कि भाई जिसको कुन कर पहुंचना था वो तो अपना 1-2 हफ्ते में पहुंच गया, लेकिन मैं तो अभी तक पहुंचा नहीं, मैं तो अभी डायमंड पे पड़ा हूं, तो मेरा क्या होगा। तो भाई पहले आप अपने आप से पूछो, हाँ भाई मेरे पास टाइम है कुन कर करने के या नहीं है। तो भाई मैं आपको एक ही राय दूंगा, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर भाई आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मतलब टेस्ट वगैरह की, अपना कोई आपका एग्जाम वगैरह होने वाला, तो भाई बिल्कुल भी कॉन्कर मत करना, भाई बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई आप ना तो भाई कॉन्कर को कर पाओगे और ना ही अपने एग्जाम पे फोकस कर पाओगे, ठीक है भाई, दोनों जगह बीच में लटक के रह जाओगे। तो भाई प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। और भाई ऑलमोस्ट न्यू बिगिनर्स यही गलती कर देते हैं कि भाई वे सोचते हैं कि भाई अब मेरा तो होने ही नहीं वाला कॉन्कर, चलो क्या करना है कॉन्कर जाके। लेकिन भाई यही सबसे बड़ी गलती होती है। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कई जगह आपको कॉन्कर जाना है तो आप सीजन के एंड में भी जा सकते हो, पर वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। लेकिन भाई अगर आप शुरू से ही शुरुआत करते हो भाई कॉन्कर के लिए, तो सोचो आपके आपके पास पूरे 2 महीने, आप बिल्कुल इजीली पहुंच जाओगे कॉन्कर। अगर आप दिन पर डे के 2-3 मैच भी खेलते हो तो आप इजीली कॉन्कर पहुंच जाओगे। तो भाई जो भी मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ भाई, मैंने ऐसे ही मुंह खोल के मतलब बोल नहीं दिया भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भाई। मैंने हर बार हर चीज़ में ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी जो गलतियाँ रहती है भाई मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई आप ये गलती ना करो और आप इजीली कॉन्कर पहुंच जाओ। सो भाई जब सेकंड पॉइंट मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ कि भाई इन दोनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ ही चूज़ करनी है, तो भाई ध्यान से सुन लो, चाहे तो आपको इतना चूज़ करना है कॉन्कर या चूज़ करना आपको अपने किल्स और केडी, आप दोनों को साथ लेकर भाई कतई भी नहीं जा सकते। अब आपको कहोगे भाई हमने तो ऐसे ऐसे प्लेयर देखे उनके केडी भी साथ साथ ही रहते हुए कॉन्कर जाते हैं, लेकिन भाई उनके पास एक प्रॉपर स्कोर होती है भाई, उनके हर एक बंदे को पता रहता है किस टाइम पे मुझे क्या करना है। लेकिन भाई आपके पास ना तो कोई प्रॉपर स्कोर है, उनमें से भाई 2-3 बंदों को उठाते हो रैंक पुश करने लग जाते हैं, भाई ऐसे थोड़ी ना आपकी केडी बनेगी। तो भाई एक सीधा साधा फोकस है, केडी किल्स को छोड़ दो। मैं भाई इतना चीज़ें से ट्राई कर रहा हूँ कॉन्कर करने की, लेकिन भाई हमेशा किल के चक्कर में जाता हूँ, माइनस लगवाता हूँ, फिर आगे रोता हूँ भाई माइनस लगी, ठीक है। तो भाई इसे गलती बिल्कुल भी मत करना आप, चाहे तो भाई इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ चूज़ कर लो शुरू में ही। और भाई एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो या फिर कॉन्कर के लिए पुश कर रहे हो, कि भाई एवरीडे आपको जो अपने टारगेट बनाने पड़ेंगे। अगर आपको भाई कॉन्कर पहुंचना है तो बिना टारगेट के तो पहुंचने नहीं वाला, और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको टारगेट कैसे बनाना है। जैसे कि भाई अभी मान लो भी सीजन स्टार्ट हुआ है, तो मैं अपना एवरीडे का टारगेट बना लेता हूँ कि भाई मुझे एक दिन में, जैसे कि अभी मैं हूँ गोल्ड 5th पे, तो भाई आज का मैं टारगेट बनाऊँ कि मुझे आज गोल्ड 5th से गोल्ड 3rd पर आना है। तो भाई किसी भी हालत में भाई मतलब कुछ भी हो जाए आपको टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे भाई अपना टाइम निकालना पड़ेगा और टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और भाई जरूरी नहीं कि भाई आप बड़े बड़े टारगेट बनाओ, आप छोटे से भी टारगेट बना सकते हो। जैसे कि भाई आप एक दिन में एक टीयर पार कर सकते हो, जैसे कि आज मैं हूँ गोल्ड 5th पे, तो आज को आपका टारगेट बनाना है कि आज मुझे गोल्ड 5th से गोल्ड 4th पे तो आना ही आना है, जिसमें भाई आप 3-4 मैचों में बिल्कुल इजीली आ जाओगे। मतलब भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एवरीडे टारगेट बना के उन्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना खेलूंगा और इजीली कॉन्कर पहुंच जाएगा, तो भाई ऐसे वहम में मत रहना, क्योंकि आप ऐसे वाले तरीके से तो कभी भी कॉन्कर पहुंच नहीं पाओगे। आपको एवरीडे के टारगेट बनाने पड़ेंगे और उन टारगेट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो भाई एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कि भाई आपको पता है, आप जैसे कि कॉन्कर के लिए अगर रैंक पुश कर रहे हो या फिर वैसे भी अपनी रैंक पुश कर रहे हो, तो भाई आप मुझे पता है कि आप नॉर्मली लोग जो है प्लेन पाथ से दूरी उतरते हो, मतलब भाई अगर प्लेन पाथ जा रहा है तो उसे लगभग आप 1000 या 1500 मीटर दूर उतरते हो या फिर गाड़ी लेकर जाते हो, इतना तो भाई सबको ही पता है। लेकिन भाई ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप प्लेन पाथ से कितना दूर उतर रहे हो, भाई बेशक आप हॉट ड्रॉप पर उतर जाओ, बट भाई बात यहाँ आती है कि आपको फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि भाई फाइट लोगे तो आपके भाई बहुत ज़्यादा चांस होता है, 50% चांस होता है कि आप मर जाओ, इसलिए भाई आपको फाइट बिल्कुल भी लेनी है। भाई आपको मोस्टली बंदे क्या करते हैं भाई, ये सोचते हैं कि अब 10 बंदे बचे हैं तो 10 बंदे बचे हैं तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी फाइट फुइट ले लेता हूँ ताकि मेरी केडी भी बन जाए। लेकिन भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जो आपको अपना टारगेट बनाना है वो आपको अपना जो एंड वाला बंदा है, लास्ट वाला बंदा, आप उसको ही अपना टारगेट बनाना है, ठीक है। किसी भी हालत में आपको बस टॉप 2 में पहुंचना है और लास्ट वाले बंदे को ही मारना है, ठीक है। भले आपके किल 0 हो, वरना भाई 0 तो किल मोस्टली रहते नहीं है, 1-2 बोट आ ही जाता है, आपकी केडी अच्छी खासी बन जाती है। तो भाई अपना टारगेट जो आपको लास्ट वाले बंदे को बनाना है, ठीक है, क्योंकि यार मोस्टली बंदे जो है ये सोचते हैं कि टॉप 10 में आ गया अब बंदों को मारते हैं, नहीं भाई आपको जो अपना टारगेट है वो लास्ट वाले बंदे को ही बनाना है और लास्ट वाले बंदे को मार के आपको चिकन ले लेना है, ठीक है। अब मैं एक और बात बता दूं भाई, अगर आप अभी मान लो रैंक पुश कर रहे हो कॉन्कर के लिए भी कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, तो यार आपको ऑलवेज मतलब यूट्यूब वगैरह पे अपडेट रहना है, क्योंकि भाई आपको पता है जैसे कि नए नए सीजन आते रहते हैं और भाई यूट्यूब पर जो है नई टिप्स एंड ट्रिक आती रहती है, भाई काफ़ी चैनल जो टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उनको भी अभी आपको एक्टिव रहना। आप भाई मेरे चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एग्जैक्ट टाइम पर जो है टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाता रहता हूँ और भाई कॉन्कर पुश एंड टिप्स की ट्रिक और वगैरह वगैरह की जो है भाई वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए भाई मेरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन करे तो।
क्योंकि भाई अगर आप कॉन्कर पुश करें तो भाई इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भाई सारे खेल यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक का, क्योंकि भाई मोस्टली बंदे कैंप करके मारते हैं, भाई कैंपरों को मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उनको भाई मारने में टिप्स एंड ट्रिक की काम आती है। और भाई मैं आपको एक बात और बता दूँ कि भाई मोस्टली बंदे क्या करते हैं, मान लो भाई अभी आपके हो गया, मतलब एक मैच में आपको 12 किल हो गए, तो आप सोचते हो कि भाई अगला मैच तो थोड़ा रश खेल लूँगा, 12 किल तो वैसे भी हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस तो लगने नहीं वाली, लेकिन भाई आपको हर एक मैच में जितना हो सके उतना प्लस लगवाना है, क्योंकि भाई अगर एक बार आप मतलब मान लो भाई अभी जो है बंदे टीयर सबकी कम कम है, अगर आप एक बार इन बंदों से पीछे रह गए तो भाई आपकी जो प्लस लगनी भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई आपकी अगर जो है आपकी जो लोबी जितनी हार्ड लगेगी आपको उतनी ज़्यादा प्लस मिलेगी। तो क्योंकि भाई अगर आप मान लो भाई शुरू में भी सीजन मतलब सब लो टीयर पर आए, क्योंकि अभी भी नया सीजन आया है, तो भाई सब मतलब हार्ड लोबी लगेगी जितनी भी बार आप खेलोगे, लेकिन भाई अगर गलती से भी आप मतलब माइनस लगा लिया और आप पीछे रह गए तो भाई आपकी जो है लोबी नो बाने लग जाएगी और भाई आपकी जो है प्लस बहुत ज़्यादा कम लगेगी और आपको बहुत ज़्यादा मैच खेलने पड़ेंगे अपनी ज़्यादा प्लस लगवाने के लिए। इसलिए भाई आपको जितना हो सके भाई आपको एक एक पॉइंट बढ़वाने के लिए, मतलब भाई रोना आपको, ठीक है, मतलब रोना मतलब वो नहीं, मतलब एक हर एक पॉइंट बढ़वाने के लिए आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के बारे में, लेकिन भाई अब मैं आपको बिल्कुल एक ऐसी खतरनाक ट्रिक जो है भाई ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिसको खेलने के बाद मतलब भाई जो आपने सुन लिया तो भाई मतलब एकदम खतरनाक हो जाओगे, क्योंकि भाई तो मैं आपको बता ही देता हूँ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करने के बाद कि भाई जैसे कि आप सभी को पता भी, जैसे सीजन आया तो इवेंट आते जाते हैं, अब एक नया और इवेंट आ रखा है, तो भाई आपको क्या करना है, अगर आप रैंक पुश करें तो आपको वो इवेंट नहीं खेलना है, क्योंकि भाई मोस्टली जो बंदे वो वाले इवेंट लगा खेलते हैं उसमें भाई मोस्टली हैकर वगैरह और हार्ड बंदे आते हैं, इसलिए भाई आपको जो वाला इवेंट है वो हटा देना और सिंपल आपको जो रैंगल मैप है आपको वो वाला मैप खेलना, क्योंकि भाई उसमें आपको बहुत नो बंदे मतलब नो बंदे ठीक ठाक बंदे देखने के लिए मिल जाएंगे और उसमें ज्यादा हैकर भी नहीं, और आपकी अच्छी खासी प्लस भी लग जाएगी, इसलिए भाई मतलब जितना भी हो अगर आपका भाई मन कर रहा हो तो आप खेल सकते हो, वरना भाई मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो है बिना इवेंट वाला खेलना चाहिए, क्योंकि उसमें भाई आपको ठीक ठाक बंदे मिल जाते हैं, अच्छी खासी प्लस मिल जाती है और उसमें हैकर आने के भी चांस बहुत कम रहते हैं। अब भाई आपको एक मेन पॉइंट और बता दूं कि भाई अगर आप जब भी कौन कर पुश करे हो आपको भाई मतलब एज पे तो उतरने, यानी कि भाई जोन के एज पे नहीं, आपको जो अपने मैप के एजिस पे उतरना, आपको कार लेके जाना और भाई वहाँ पर आपको मतलब भाई हर एक जोन जब तक जोन स्टार्ट नहीं हो जाता ना, आपको ब्लू शुरू के जो चार जोन है उसमें आपको ब्लू जोन के बाहर रहना है, वहाँ पर रहकर आपको डैमेज खाना है, जिससे आपको अच्छा खासा जो है वो पॉइंट मिल जाएगा, आपको डैमेज पॉइंट भी मिल जाएगा, इसलिए आपको भाई शुरू के जो चार जोन है वो जोन के बाहर निकालने हैं। और भाई आपको जो मैं गन उठानी है आपको एक SMG गन उठानी है, क्योंकि भाई जब SMG गन उठाते हो तो आपका उसको जो है उसका SMG सप्रेसर जो आपको इजीली मिल जाता है, और जब आप किसी बंदे को मारते हो तो बंदे को इजीली पता भी नहीं लगता, और आपको भाई एक गन उठानी है AR, एक गन उठानी है आपको AR और एक उठानी SMG, और भाई अगर आपका जो दूसरा बंदा आपको उसे कह देना कि भाई एक तो स्नाइपर उठा ले, तो आपका बंदा भाई स्नाइपर चलाएगा और आप चलाना असॉल्टर, ठीक है। तो भाई ऐसा जो अपना कॉम्बिनेशन बना के खेलना, और भाई आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप डो में पुश कर रहे हो या फिर स्कोर में कर रहे हो तो आपको जो अपना मतलब भाई आप अपना फ्रेंड ले रहे हो, अपना टीममेट ले रहे हो, अब वो भाई आपको मतलब जानता होना चाहिए, ठीक है। आपको जो अपना माइक जो हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि भाई आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बना के खेलना, आपको एक बंदे को घेर के मारना है, जैसे कि मान लो भाई अभी सामने पत्थर के पीछे बंदा है तो अभी हम उसे दोनों घेर के मारेंगे, एक बंदा लेफ्ट से जाएगा तो एक बंदा राइट से, तो भाई ऐसे आपको अपनी ठीक ठाक स्ट्रैटर्जी बनानी है। पता नहीं भाई मैं आप इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो मैं बिचल रहा हूँ, तो भाई थोड़ा इसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। तो भाई शायद मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट मैं जल्दी एक अच्छी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको फुली एक्सप्लेन कर दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और भाई अब मैं आपको जाते जाते एक बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब जो अच्छा खासा मेन पॉइंट बता देता हूँ कि भाई आपको फाइट बिल्कुल भी लेनी है, यह बात सबको पता है, तो भाई लेकिन आपको क्लोज फाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि भाई क्लोज फाइट में मोस्टली क्या होता है बंदे मरते ही मरते भाई, इसलिए ठीक है आपको भाई दूर से हमेशा फाइट लेनी है। अगर बंदे भाई आप पे आपको मतलब भाई आप दूर से फाइट ले रहे हो, आपको लग रहा है कि बंदे हम पर गाड़ी लेकर चढ़ने वाले हैं पूरी की पूरी स्कोर है, तो भाई वहाँ से भाग जाओ जितना हो सके भागो भाई, जितना उसके उतने आपको जो है अवॉइड करनी है फाइट, जब भी आप भाई कौन कर पहुंच पाओगे, वरना आप सोचोगे भाई मैं फाइट ले लूँ आप तो मेरे अच्छी खासी प्लस चली जाएगी, तो ना मुन्ना तुमसे बिल्कुल भी ना हो पाएगा, इसलिए भाई आपको जो अपनी फाइट अवॉइड करनी है जितना हो सके उतनी आपको अपनी फाइट अवॉइड करनी है। और भाई मैंने आपको यहाँ पे 9-10 पॉइंट बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से लाऊंगा जिसमें मैं आपको फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छी खासी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाने वाला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।